रिसर्चर्स की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर से लकड़ी के चंद पीसेज मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात ये भी थी कि इन पर चाइनीज लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज ट्रांसलेटर की मदद से जब इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर्स की सारी टीम हैरान रह गई। चाइना के कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुशनसीब लोग ही मौजूद हैं। तीन दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तान में भी इसको तामीर किया गया है। डबल स्टोरी घर जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई यह दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? कौन थे वह लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए? लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे इस आलिशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनसेंग लिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वह पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालात में मौजूद है, यानी इस मुकाम पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जिनसेंग लिंग से ये वॉल इंतहा ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर मौजूद है। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई है और इनमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डिनेस्टी के चाइना पर राज के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट को इन वॉच टावर के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े सुराग भी दिखे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराग वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हो, लेकिन इन सुराग का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं, बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है जहां पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहां की बस्तियों को आग लगा देती थी। हर आए दिन मंगोलों की लूटमार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके, क्योंकि इस वॉल का काफी हिस्सा एक मकाम पर बना हुआ है जहां पर इंसान का जाना ही काफी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपोर्ट हैरान है कि जहां इंसान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है, वहां तक इतने बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपोर्ट को हैरान कर दिया था। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हो।
एक्सपर्ट्स को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी। अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वह भी ऐसे दरवाजे जो पहाड़ों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के भेष में इन दरवाजों से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाजों के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब तहकीकात की गई तो ये साबित हुआ कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों, जब यहाँ सीक्रेट दरवाजे भी मौजूद थे तो इस पॉइंट से दीवार को अंदर से क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है कि क्योंकि ये टनल खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था। और वह मकसद ये था कि हंगामे हालत में अगर मंगोल दीवार पर अटैक करे तो मिंग आर्मी के सोल्जर इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सके। ये तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में आ गया। ऐसे ही बेशुमार टनल अभी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेड क्वार्टर मौजूद कहाँ है? एक्सपर्ट्स ने जब सैटेलाइट डेटा से ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंची तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर है, यानी यह डिस्टेंस इतना ही है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक के पूरे 7 चक्कर लगाए जाए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में खत्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहाँ पर एक आलिशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफी ज्यादा बड़ा है, और यही मिंग आर्मी का हेड क्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है, और इसका काफी हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो चुका है। रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरो हेड्स मिले। ये एरो हेड्स इतने पुराने थे, ये जानने के लिए जरूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। जब लैब में इन हेरोडेज की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वह वाकई बहुत ही हैरान करने वाला था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये हेरोडेट्स 2200 साल पुराने, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी के बने टूटे फूटे अजीबो गरीब स्ट्रक्चर भी दिखाई दी, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स टीम की मुश्किल आसान कर दी। हैरतअंगेज तौर पर पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो काफी अच्छी तरह प्रिजर्व थे। जब चाइनीज एक्सपोर्ट को यह पढ़ाया गया तो मालूम पड़ा कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंज हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाए, और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर पर आग लगाई जाए। हंज 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे, और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे।